बिजनौर में सरकारी पद पर तैनात एक कर्मचारी पर कुछ लोगों ने उसके कार्यालय पहुंचकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बिजनौर निवासी प्रांजल दीक्षित जैकी विकास भवन में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विभाग में कनिष्क सहायक के पद पर तैनात है। पीड़ित का कहना है कि बीते 3 तारीख को सुबह वह अपनी बहन के साथ कार्यालय जा रहा था, तभी आरोपी छोटू और संजय जो कि गायत्री नर्सिंग होम के पीछे रहते हैं, उन्होंने रास्ते में बिना किसी बात के पीड़ित की बहन को गाली दी, जिसके बाद पीड़ित ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके कार्यालय पहुंचकर उसके साथ मारपीट की और आरोपी छोटू व संजय मौके से फरार हो गए। घटना के बाद प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांजल दीक्षित। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जानलेवा हमला ऑफिस में। कहाँ पे हुआ? विकास भवन। कौन लोग थे वो? संजय कुमार शर्मा और उसका पुत्र छोटू। किस बात को लेकर? मैं तो बैठा हुआ था कार्यालय में, तो अचानक पीछे से मारना शुरू कर दिया। जानलेवा हमला हुआ आप पे? जान लेने की पूरी कोशिश की गई, वो तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो भाग गए।